दोस्तों आज अपन बात करने वाले वन प्लस की तरफ से नए स्मार्ट फोन के बारे में और अपन हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। यस, वन प्लस की तरफ से भी फरवरी के महीने में आपको एक नया स्मार्टफोन मिलने वाला है एंड एक नहीं, मोस्ट प्रोबेबली दो स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वन प्लस नॉट टू सीई एंड वन प्लस नॉट टू टी, दो स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें से एक स्मार्टफोन तो डेफिनेटली कंफर्म कर दिया गया है कि 11 फरवरी 2022 को वन प्लस नॉट टू सीई इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। ये वाला जो स्मार्टफोन है 24,000 से 28,000 की रेंज में लॉन्च होने वाला है एंड इस बार कुछ काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च किया जा रहा है। तो देखते हैं भाई कैसा है स्मार्टफोन, क्या क्या स्पेसिफिकेशन लेकर के आता है, क्या कुछ फीचर्स लेकर के आता है, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आ सकता है, सारी चीज डिस्कस करते हैं बिना किसी तरीके। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले मन की बात कर लेते हैं। भाई साहब बहुत दिन हो गए हैं मन की बात करे, इंस्टाग्राम पर आ जाओ यार। शुक्रवार या शनिवार को अपन लाइव करते हैं इंस्टाग्राम पर, चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे भाई। तो इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लेना। मिलते हैं भाई शनिवार को लाइव के साथ में, तो प्लीज मेक श्योर कि इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके रखें। फोन के बारे में बातचीत को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाली है भाई। वन प्लस नॉर्ड सीई से हमको कंप्लेंट थी कि वहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड दिया गया था, लेकिन इस फोन में आपको फुल ग्लास बिल्ड देखने के लिए मिलेगा। ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पर आपको मिल सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड रहने वाली है, उसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें भाई तो गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल से अगर देखा जाए तो टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको देखने के लिए मिलता है। वन प्लस का लोगो है, नीचे की तरफ आपको वन प्लस की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। एंड फ्रंट में अगर बात की जाए तो टॉप लेफ्ट में आपको पंचोल मिलता है, पतले पतले से बेजल्स है, पतली सी चेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ब्लू कलर में, ग्रे कलर में, ग्रीन कलर में और एक दो और कलर में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है। तो दिखने में फोन बढ़िया रहने वाला है एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.43 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि बढ़िया साइज का डिस्प्ले भाई। कंटेंट वॉचिंग में भी आपको मजा आएगा, गेमिंग करने में भी आपको मजा आएगा। 6.43 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला फ्लूइड एमोलेड पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले पैनल बढ़िया है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, HDR10 का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। एंड गेमिंग की अगर बात करें, हाई रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 90Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिलेगा, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल सकता है। एंड ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया रहने वाला है, डिस्प्ले गेमिंग के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में लगाया जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर। 900 जो प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम निकाल करके देगा एंड परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देने वाला है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर 2A78 वाले कोर्स यहां पर आपको मिलते हैं। तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है आपको मस्त मिलने वाली है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आनमाली G68 MC4 GPU मिलता है, जो कि 4 कोर का GPU है, बढ़िया आपको गेमिंग करा देगा। तो ओवरऑल डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, गेमिंग भी आपको बढ़िया मिलने वाली है, साथ ही साथ LPDDR4X RAM मिलेगी एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज यहां पर आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाला है, परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। अब कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा अगेन आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का। अब कौन सा सेंसर रहने वाला है ये तो पता नहीं है भाई। वन प्लस नॉट सी की अगर बात करें तो वहां पर ओमनी विजन का प्राइमरी सेंसर दिया गया था, अब यहां पर कौन सा आपको मिलता है इस चीज को लेकर के भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है वो EIS के सपोर्ट के साथ में आएगा। उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा आपको मिलेगा।
मिलेगा, 3 कैमरास पीछे की तरफ मिलेंगे, EIS का सपोर्ट मिलेगा, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर, एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो आपके सुंदर से थोबड़े की सुंदर सी सेल्फी लेने के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। अच्छी बात यह है कि सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पर आपको EIS देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाला है, कैमरा सेटअप में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल सकती है, तो बैटरी का साइज सही है, डिसेंट साइज है भाई। यहाँ पर आपको 6 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है एंड 4500 mAh की बैटरी है, एमोलेड का डिस्प्ले है, तो जो बैटरी बैकअप है, एक दिन का बैटरी बैकअप तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है, 65 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो बैटरी का मॉड्यूल बहुत सही है भाई, चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, बैटरी का साइज भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा यस इस फोन में देखने के लिए मिलेगा, उसको गायब नहीं किया जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। इसी के अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिलेंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। उसी के अलावा अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में आपको मिलेगा ऑक्सीजन OS 12, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है। हालांकि ऑक्सीजन OS 12 जो है कलर OS के बेस पर आता है, लेकिन फिर भी भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको सिंगल स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे, शायद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए ना मिले, एंड यहां पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल सकता है, वैसे उम्मीद कम है लेकिन मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार का जो फीडबैक है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहाँ पर होना चाहिए। अब वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 2 वेरिएंट्स में ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, 8+128 और 8+256, एंड आई थिंक इस बार 6GB+128GB वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं किया जाएगा, पिछली बार भी किया गया था लेकिन सेल में वो आया ही नहीं था भाई, बहुत मुश्किल से आया था। तो मेरे हिसाब से 8+128, 8+256 दो वेरिएंट्स रहेंगे। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो दोनों फोन का जो वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट जो फोन के हैं वो आपको 24 से 28 हज़ार रुपए के बीच में देखने के लिए मिलने वाले हैं, 24 से 28 हज़ार रुपए के आसपास, OnePlus की ब्रांडिंग के साथ में मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस, OnePlus की ब्रांडिंग, तो मेरे हिसाब से डिसेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, डिसेंट ऑप्शंस, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन डिसेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि ये जो स्मार्टफोन है इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।